फ्रेंड्स, मेरे हाथ में आप ये सफ़ेद रंग की चीज़ देख रहे हैं। इसकी मदद से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने प्लांट को मजबूत, स्वस्थ, हरा भरा बना सकते हैं, साथ ही उसमें बहुत अच्छी मात्रा में फूल, फल और सब्जियां पा सकते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है। हमारे प्लांट को जिस तरह से NPK की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से कैल्शियम भी बहुत ज़रूरी मिनरल्स है, क्योंकि यदि प्लांट में कैल्शियम की कमी होती है तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और प्लांट फूल नहीं देता है, उसका स्टेम बहुत वीक हो जाता है। जिस तरह से हमारी हड्डियों के लिए कैल्शियम ज़रूरी है, उसी तरह से प्लांट के मजबूत विकास के लिए भी हमें कैल्शियम उसको समय समय पर देना पड़ता है। तो आज मैं कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स चूना का फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ। चूने की मदद से मैं प्लांट को कैल्शियम दूंगी, तो मैं आपको बताऊंगी कि इसे किस तरह से आपको यूज़ करना है, क्योंकि चूने में जो क्षारीय प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो थोड़ा सा, यदि आप क्वांटिटी का ध्यान नहीं रखते हैं तो प्लांट की मिट्टी को ख़राब कर सकती हैं। यदि आप सही मात्रा यूज़ करते हैं तो प्लांट में इसके बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। आप एक बार यूज़ करेंगे तो आपको किसी मार्केट में कोई कैल्शियम वाला सोर्स लाने की ज़रूरत नहीं है, और आप घर पर ही इस छोटी सी चीज़ से, बिल्कुल सस्ती चीज़ है, आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएगी, और इसका यूज़ करके आप अपने प्लांट को कैल्शियम दे सकते हैं। सभी प्लांट को कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, और कैल्शियम प्लांट में फूल फल लाने के लिए बहुत मदद करता है। यदि प्लांट की जड़ों में विकास नहीं हो रहा है, या जड़ों में किसी तरह के कीड़े लग गए हैं, या उसमें फंगस लगी है, हमको मालूम नहीं चलता है, और प्लांट अचानक से सूखने लगता है, तो प्लांट आपका अचानक से सूख रहा है तो आपको उसको कैल्शियम देना होगा, और ये प्लांट की जड़ों को मजबूत बनाएगा। साथ ही मिट्टी में लग रहे कीड़े, दीमक हैं और भी इंसेक्ट हैं छोटे छोटे, उनको दूर करेगा। तो आपको बार बार इस कैल्शियम का यूज़ नहीं करना है चूने का, आपको महीने में एक बार, यदि आप लिक्विड फॉर्म में देते हैं तो महीने में एक बार करें, और यदि आप पाउडर फॉर्म में दे रहे हैं तो इसको 2 से 3 महीने में एक बार यूज़ करें, इतना ही बहुत है। इतने में हमारे प्लांट की जो कैल्शियम की ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। तो चूना आपको कौन सा लेना है? चूना ये बुझा हुआ चूना है। यदि आप बाज़ार से बिना बुझा हुआ चूना लाते हैं तो उसको आपको पानी में 2 से 3 दिन रखना होगा, जब उसकी हीट निकल जाती है। जो हम खाने के लिए चूना इस्तेमाल करते हैं, आपको वही चूना प्लांट के लिए इस्तेमाल करना है। इसको यूज़ करने के अलग अलग तरीके हैं, आप 2 से 3 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसका पाउडर यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट मिट्टी में, साथ ही इसको किसी भी कंपोस्ट में मिला के यूज़ किया जा सकता है। तो मैं आज इसमें आपको बिल्कुल सिंपल तरीका लिक्विड फॉर्म में यूज़ करना बताऊँगी, जो कि हमारे प्लांट पर बहुत जल्दी असर दिखाता है और बहुत आसानी से ये तैयार हो जाता है। प्लांट को समय समय पर हमें सभी पोषक तत्व देने की ज़रूरत पड़ती है। केवल एक पोषक तत्व से प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है, उसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें उपलब्ध कराते रहना चाहिए। तो उसी में यदि ये कैल्शियम आप प्लांट को इस तरह से देते हैं तो देखिए, आप प्लांट की फ्लोरिंग देखिए और प्लांट की मजबूती देखिए, प्लांट का बहुत ही अच्छा विकास होता है। और ये देखिए, पत्तियों से ज़्यादा इस अपराजिता में फूल आ रहे हैं और प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। उसी तरह सब्जी वाले पौधों में भी ये कैल्शियम बहुत ही कारगर है। सब्जियों का साइज़ बहुत अच्छा होता है और उसकी क्वांटिटी भी बहुत अच्छी होती है, चाहे वो फल हों या सब्जियां हों। तो लिक्विड फॉर्म में बनाने के लिए आपको 1 लीटर पानी लेना है। यदि आप ज़्यादा प्लांट्स पे डाल रहे हैं तो आप 5 लीटर पानी के हिसाब से बना लें। मैं 1 लीटर पानी ले रही हूँ, इस हिसाब से आपको क्वांटिटी बताऊँगी। और 1 लीटर पानी में आपको तकरीबन 2 ग्राम चूना लेना है, बस इससे ज़्यादा नहीं लेना है। ये जो मैं 2 ग्राम चूना इसमें डाल रही हूँ, इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये थोड़ा सा गीला चूना है इस तरह से, और यदि आप सुखा के इसका पाउडर बनाते हैं तो पाउडर फॉर्म में डालने के लिए भी आपको इसी तरह से क्वांटिटी लेनी है। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, चाहे तो आप 1 दिन के लिए इसे रख भी सकते हैं। इसे मिक्स करने के बाद ये अच्छी तरह से पानी में घुल गया है और हमारे प्लांट पर डालने के लिए तैयार है। तो आप किसी भी प्लांट की सॉइल में इसे पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल दें। तो फ्रेंड्स, इस चूने का इस्तेमाल कैल्शियम के लिए प्लांट को आप आसानी से घर पे ही कर सकते हैं। थैंक यू।